अब तक आपने कई बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को व्हाइट हाउस में उनके पालतू कुत्ते के साथ घूमते देखा होगा, क्योंकि व्हाइट हाउस में पालतू कुत्तों को पालने की पुरानी परंपरा रही है। लेकिन पहली बार विश्वगुरु बनने जा रहे भारत ने दुनिया को इन गायों के रूप में एक नई तस्वीर दिखाई है, वो भी भारत के पीएम आवास से। लेकिन आपको इस गाय के बारे में पता नहीं है, इनका दूध अमृत के समान होता है, फिर भी कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने इनकी तस्वीर शेयर की, जो पीएमओ में ही रह रही है, तो लोगों में उत्सुकता बढ़ गई इन्हें जानने के लिए। ये वो गाय है जो विलुप्त होने की कगार पर थी, क्योंकि कांग्रेसियों को तो शायद जर्सी गाय चाहिए थी। तो आइए आपको बताते हैं क्या है इन छोटी छोटी गायों की कहानी, जिनका दीवाना हुआ जा रहा है पूरा देश। छोटी छोटी प्यारी गायों की विशेषता। ये छोटी छोटी गाय पुंगानुरु नस्ल की है। पुंगानुरु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गाय ज्यादातर आंध्र प्रदेश के पुंगानुरु नाम की जगह पर ही पाई जाती है। ये गाय इतनी छोटी होती है कि इन्हें आराम से अपने अपार्टमेंट में भी पाला जा सकता है, जैसे बाकी पालतू जानवर पाले जाते हैं। इनकी हाइट मात्र 70 से 90 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ये दुनिया की सबसे छोटी गाय है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये गाय बहुत ही कम चारा खाती हैं, लेकिन सामान्य गायों की तुलना में इनका दूध बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। इनके दूध में औषधीय गुणों की भरमार होती है। यही नहीं, सामान्य गायों में जहां फैट की मात्रा सिर्फ 3 से 4% होती है, वहीं इन गायों में फैट की मात्रा 8% तक होती है। प्राचीन काल से जुड़ा है इनका नाम। कहा जाता है कि इन्हें पुंगानुरु गायों का प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनि भी पाला करते थे। इन्हीं ऐतिहासिक महत्व वाले ये गाय कुछ साल पहले तक विलुप्ति की कगार पर आ गई थी। हालात ये हो गई थी कि गाय और गौमूत्र के नाम पर देश को उत्तर दक्षिण में बांटने की राजनीति करने वालों की सरकार में साल 2013 में इन गायों की संख्या मात्र 2772 रह गई थी। लेकिन साल 2014 में सरकार बदली और सरकार के साथ इन गायों की किस्मत भी बदल गई, क्योंकि साल 2013 के बाद 6 वर्षों तक इन गायों के संरक्षण पर तेजी से काम हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि साल 2019 में इन गायों की संख्या कई 100 गुना बढ़कर 13,225 पर पहुंच गई। लेकिन इनकी संख्या में असली बाढ़ तो अब आने वाली है, क्योंकि जब से लोगों ने पीएम मोदी के साथ इन गायों को देखा है, उनको पालने की होड़ लग गई है। आंध्र प्रदेश के एक गौशाला मालिक के अनुसार पिछले 24 घंटे में ही सैकड़ों लोगों ने इन गायों को खरीदने की इच्छा जताई है। हो सकता है वो दिन दूर नहीं है जब देश के हर घर फ्लैट में ये गाय आपको टहलते हुए दिखना शुरू हो जाए। 2014 में देश को पहली बार ऐसे पीएम मिले हैं जिन्होंने खुलेआम बिना अपने वोटों की चिंता किए सरकारी आवास पर इन गायों की सेवा की है।